हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप कैसे ब्रोकन लिंक्स को फिक्स कर सकते हैं, ब्रोकन लिंक्स से आपको क्या नुकसान हो सकते हैं। सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। ब्रोकन लिंक्स अगर आपके किसी पेज पे आता है, तो मान लीजिए वो पेज आपका गूगल में रैंक है, उस पर ट्रैफिक आ रहा है, तो ब्रोकन लिंक्स होने की वजह से 404 का एरर आएगा जब भी कोई यूज़र उस पर क्लिक करेगा, और आपको ट्रैफिक का लॉस हो जाएगा। यानी कि ट्रैफिक के लॉस से बचने के लिए और SEO के ऑप्टिमाइजेशन के हिसाब से आपके साइट में ब्रोकन लिंक्स नहीं होना चाहिए। ब्रोकन लिंक्स को कैसे फिक्स करेंगे आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरे द्वारा डाली गई वीडियो आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ब्लॉगिंग सीखने के लिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ब्रोकन लिंक्स फिक्स करने से पहले दोस्तों एक चीज़ बताना चाहूँगा। मैंने एक वीडियो बनाया था कल, जिसमें मैंने आपको बताया है कि 2020 में आप किस टाइप का ब्लॉगिंग नीश को सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी अर्निंग को डबल करने के लिए। इस वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है, साथ ही साथ आई बटन पे है, उसको जाके आप ज़रूर चेकआउट करिएगा। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले बात करते हैं कि आप यहाँ पे कैसे अपने बैक लिंक्स को, ब्रोकन लिंक्स को फिक्स कर सकते हैं। सबसे पहले अपनी वेबसाइट के URL को आपको कॉपी कर लेना है। जैसा कि मेरा ये जो वेबसाइट है, इसके URL को मैं यहाँ पे कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद आपको इसके अंदर इसको पेस्ट कर देना है। देख सकते हैं जैसे कि मैंने पेस्ट किया यहाँ पे। उसके बाद आपको सेम यहाँ पे ये जो सिक्योरिटी कोड दिख रहा है, इसको यहाँ पे डाल देना है, जैसे कि H67NB। इसको डालने के बाद आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन पे ही रहने देना है और फाइंड ब्रोकन लिंक्स को नाउ पे क्लिक कर देना है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, कुछ टाइम लेगा और आपके पूरे यहाँ पे वेबसाइट को ये एनालिसिस करेगा। और 57 वेब पेज मेरे वेबसाइट पे फाउंड हुए थे, जिसमें से 3 ब्रोकन लिंक्स हैं। अब इस ब्रोकन लिंक्स को आप कैसे फिक्स कर सकते हैं, इस पे बात करते हैं। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे techbalbi.blogspot.com, manishbestblog.blogspot.com और यहाँ पे www.webrupees.com। यानी कि यहाँ पे URL में फॉल्ट है, और ये इन्होंने कमेंट किया था और इन लोगों का ब्लॉग जो है रिमूव हो चुका है, ये या तो डिलीट कर दिए हैं। तो यहाँ पे ये इन लोगों ने कमेंट किया था बैकलिंक्स लेने के लिए, और ये बैकलिंक्स हमारा 404 का एरर प्रोवाइड कर रहा है। यानी कि ये हमारे SEO के हिसाब से ये बहुत ही गलत है। इसीलिए यहाँ पे कमेंट मॉडरेशन को हमेशा हमें ऑन रखना चाहिए। लगे कि हाँ अप्रूव करना चाहिए कमेंट को, तभी अप्रूव करें, नहीं तो इस तरह से 404 और बैड होस्ट का यहाँ पे एरर जो है आपको मिल सकता है। तो इसको फिक्स कैसे करेंगे? हो सकता है आपके किसी पेज के अंदर जो आपने इंटरनल लिंकिंग किया है, उसका लिंक यहाँ पे काम ना कर रहा हो, तो वो भी यहाँ पे शो होगा। लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं है, आपके केस में हो सकता है सेम प्रोसेस होगा जैसे मैं यहाँ पे ब्रोकन लिंक्स को फिक्स करने के लिए बताने जा रहा हूँ। ठीक है, आपको देखिए यहाँ पे URL है, पेज वेयर फाउंड URL है। URL नीचे देखेंगे तो यहाँ पे पोस्ट में टेबल ऑफ कंटेंट्स कैसे ऐड करें, और इस URL को क्लिक कर लेते हैं और देख लेते हैं कि हमारा कौन सा पोस्ट है जिसमें ब्रोकन लिंक्स है। तो यहाँ पे हमारा ये पोस्ट है, और इस पोस्ट में नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए बलवंत नाम का है, कमेंट किया है यहाँ पे वेरी नाइस। और यहाँ पे सेम आप देख सकते हैं techbalbi.com, यहाँ पे लिंक टेक्स्ट जो है बलवंत है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बलवंत है, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अभी देख लेते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे ये कैन नॉट विजिट कर रहा है, विजिट नहीं कर सकते हैं, रीलोड का ऑप्शन आ रहा है। यानी कि ये जो एरर है यहाँ पे, ये या तो ब्लॉग ही डिलीट हो चुका है, या तो यहाँ पे ये सिंपली मैं बता दूँ आपको कि 404 का एरर यहाँ पे हमें कमेंट सेक्शन से देखने को मिल रहा है। अगर कोई बंदा कमेंट करता है आपके ब्लॉग पर और वो लिंक उसका ओपन नहीं हो रहा है, तो आपकी वेबसाइट को ही प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अब इसको फिक्स करना है तो मैं अपने इस पोस्ट पे जाऊँगा। आप ब्लॉगर पे हो चाहे वर्डप्रेस पे हो, सेम प्रोसेस आपको अपनाना होगा। तो मेरा ये पोस्ट है, नो कमेंट है, यहाँ पे कमेंट पे मैं क्लिक करूँगा। कमेंट पे क्लिक करने के बाद मैं उनको सर्च कर लूँगा बलवंत नाम के जो हैं, और नीचे की तरफ आऊँगा, देख सकते हैं ये बलवंत है। इसको मैं यहाँ पे ट्रेस कर दूँगा, यानी कि यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर दूँगा। और इसको डिलीट करने के बाद अभी मैं आपको चेक करके दिखाऊँगा
कि हमारा अब जो ब्रोकर लिंक्स है अब ये बलवंत वाला हटता है या नहीं। ठीक है, मैंने उसको ट्रेस में यहाँ पे मतलब डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे चलिए फिर से ब्रोकर लिंक्स को हम फाइंड करते हैं, यहाँ पे कोड डाल लेते हैं सिक्योरिटी कोड, उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए यहाँ पे फाइंड ब्रोकर लिंक पे मैंने क्लिक कर दिया, ओके कर देते हैं, जनरेट न्यू कोड सिंपली यहाँ पे 2FD5T। अब यहाँ पे ब्रोकर लिंक्स पे हमने क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे एनालिसिस हो रहा है, प्रोसेसिंग चल रही है और थोड़े देर वेट करते हैं और अभी देखेंगे कि वो हमारा जो ब्रोकर लिंक्स था वो अब हमारा फिक्स हो जाएगा। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं अभी मेरे पहले मैंने आपको दिखाया 3 ब्रोकर लिंक्स थे, अभी के टाइम में आप देख सकते हैं 2 ब्रोकर लिंक्स शो हो रहे हैं और अभी प्रोसेसिंग भी चल रही है। अभी कंप्लीट होने देते हैं इसको और जैसे ही कंप्लीट होता है मैं आपको पूरा रिजल्ट इसका दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे कंप्लीटेड हो चुका है और ब्रोकर लिंक्स 2 ही रह गए हैं क्योंकि मैंने 1 ब्रोकर लिंक्स को फिक्स कर दिया है। सेम एज इट इज आपको यहाँ पे URL पे कर्सर जब आप ले जाएंगे तो नीचे की तरफ आपके पोस्ट का यहाँ पे URL दिखेगा, जैसे कि मेरे में दिख रहा है ब्लॉग में सोशल शेयर बटन कैसे ऐड करें, और नीचे वाले ब्रोकर लिंक्स में देखें तो GoDaddy से डोमेन नेम कैसे खरीदे इजी गाइड, यानी कि इस पोस्ट के अंदर इन लोगों ने कमेंट किया है बैकलिंक लेने के लिए और वो बैकलिंक्स ब्रोकर लिंक्स शो कर रहा है, यानी कि 404 ईरर शो कर रहा है और एक में तो URL ही गलत डाला है जिसकी वजह से बैड होस्ट का यहाँ पे ईरर आ रहा है। तो इस तरह से आपको उन कॉमेंट को डिलीट कर देना है जो ब्रोकर लिंक शो कर रहे हैं। अगर आपके पोस्ट में इंटरनल लिंकिंग किए हैं और इंटरनल लिंकिंग करते वक्त आपका URL गलत पेस्ट हो जाता है या वो पोस्ट जिसका आपने इंटरनल लिंकिंग किया है वो डिलीट कर दिया है, तब भी आपको ब्रोकर लिंक्स आएगा। सिंपली आपको वो ब्रोकर लिंक्स को फिक्स करना है, यानी कि URL में जो गलत URL आपने डाला इंटरनल लिंकिंग करते वक्त उसको आपको सही करना है या सही URL डालना है और उसको सिंपली सेव करेंगे तो आपका ब्रोकर लिंक्स जो है फिक्स हो जाएगा। अगर इस वीडियो के बाद भी आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है कि नहीं मुझे नहीं समझ में आया तो भाई कमेंट करना, मैं फिर से एक और भी यहाँ पे डिटेल वीडियो लाने की कोशिश करूँगा जिसमें सभी टाइप के यहाँ पे ब्रोकर लिंक्स होंगे और मैं आपको उसको फिक्स करके दिखाऊंगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपना सपोर्ट दिखाएं इस चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके। धन्यवाद।